हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो में बात होने वाली है रिजवाना की और इनके हस्बैंड हाजी भाईजान के बारे में, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। और उससे पहले कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई फिर से बिना फेस के आना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को प्रॉब्लम पता है कि समर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चे वगैरह घर पर होते हैं, तो कैमरे के साथ शूट करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बच्चे तंग करते हैं बीच बीच में, कई बार आकर रूम में, ठीक है ना। तो पहले स्कूल जाते थे, जैसे ही इनके स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो फिर मेरा दोबारा से फेस के साथ वीडियो आएगा। और मे भी नहीं भी आए तब भी खैर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतने सालों से बिना फेस के ही मैं आती हूँ और मुझे बिना फेस के वीडियो बनाना इजी लगता है, इजी रहता है मेरे लिए, इसीलिए मैं बनाती हूँ। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं रिजवाना से और अपने हाजी भाईजान से। तो हाजी भाईजान के ना मैं कुछ दिनों से पोस्ट देख रही हूँ कि वो अपनी बच्ची के साथ पोस्ट डालते हैं और थोड़ा सा उनके लिए ना बुरा फील होता है। चाहे वो जैसा भी इंसान हो यार, ठीक है ना, जैसा भी हो, उसने जो भी, देखो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, मैं वायलेंस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। जो भी उसने अपने बीवी के साथ, रिजवाना के साथ मारपीट की थी, मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती और मैंने उस टाइम पर भी वीडियो बनाई थी। और लेकिन हाँ, आजकल जो ये अपने बच्चों के लिए बेटी की वीडियोस वगैरह डालता है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई रिजवाना जो है ना वो बच्चों के साथ इसको मिलने नहीं देती है। जो इसकी बेटियां हैं शायद दो, रिया और आयजल, समथिंग रियाज और आयजल, आयजल ऐसे ही इनके नाम हैं दोनों के। मैं यहाँ पर कमेंट्स वगैरह भी लगा दूंगी आके, आगे आप लोग पढ़ लेना कि मतलब लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी बेटियां हैं, ठीक है ना, इसके बच्चे हैं, तो याद तो ज़रूर आती होगी, ठीक है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, भाई दोनों के बच्चे हैं तो दोनों को जाहिर सी बात है याद आती होगी। मैं रिजवाना को ये नहीं कहती कि भाई आप उनको उनको ही सौंप दो उनके बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को माँ से बेटर कोई नहीं संभाल सकता है, ठीक है, कोई नहीं देख सकता। माँ को, माँ का, बच्चों को माँ का प्यार चाहिए, ठीक है, लेकिन बच्चों से मिलने देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितना रिजवाना का हक है ना, उतना ही हाजी भाईजान का भी हक है उन बच्चियों के ऊपर, और उनको मिलने देना चाहिए। हाजी भाईजान पता नहीं मुझे कोर्ट से बात करी, क्या करा क्या नहीं करा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें हाजी भाईजान ये कह रहे हैं कि रिजवाना मुझे मिलने नहीं देती है बच्चियों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इस पर मैं रिजवाना को गलत बोलूंगी, क्योंकि अगर बेटियां तुम्हारी हैं तो बेटियां फिर हाजी की भी हैं, उसको मिलने का पूरा पूरा हक बनता है, वो अब्बू है उनका, ठीक है ना। तो ये बहुत ही गलत बात है कि भाई उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। भले ही उसने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, लेकिन अपनी बच्चों के साथ तो कुछ गलत नहीं किया है ना, उसने, बच्चे तो उसके भी हैं, तो उसको मिलने का पूरा पूरा हक है। और मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है उसको। इसके साथ ही मेरे को ये भी सुनने को मिला है कि भाई अपनी रिजवाना मैडम ने भी जो है वो एंगेजमेंट कर ली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, देखो मैं तो नहीं जानती, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, एक मैंने उसमें कमेंट्स पढ़ा जिसमें सामने वाला बंदा जो है वो ये बात बता रहा है कि भाई इन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है, रिजवाना भी एंगेजमेंट कर रही है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग कमेंट्स पढ़ लेना सारे, ठीक है। और कुछ लोग तो इतना मतलब बैड कमेंट भी करते हैं ना, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इस बंदे की कि चाहे ये जैसा भी है, इसको बैड कमेंट आए चाहे अच्छे कमेंट आए, ये हर एक कमेंट का जो है वो रिप्लाई करता है बंदा, ठीक है ना। इसको बैड कमेंट शायद सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ये उन लोगों को भी जवाब देता है। हाँ, उसमें कई बार भाषा इनकी गड़बड़ हो जाती है, जिसके लिए खैर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि भाषा के मामले में ये गड़बड़ कर देता है इंसान, लेकिन फिर भी रिप्लाई ये सबको देता है, चाहे इसके हेटर्स हो चाहे इसके सपोर्टर्स हो, ठीक है। तो चलिए, थोड़े से कॉमेंट्स यहाँ पर हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमेंट्स में क्या बोला जा रहा है। तो चलिए जी, कमेंट्स पढ़ते हैं। मेजी मेकओवर लिखती है, इतना खुश रिजवाना को रखते तो आज वो आपके बच्चों के साथ आपके साथ होती। इनको रिप्लाई किया है
कि हाजी भाई जान जो है वो रिप्लाई करते हैं कि भाई अभी खुश रखने के चक्कर में फांसी लगा लेता तब पता चलता आप लोगों को, क्या बहन आप भी ऐसी बातें करती हो, मेरे बच्चे और वो सब के लिए मैंने क्या किया, कितना किया, मेरा अल्लाह जानता, आपको क्या पता जो एक साइड देख के बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये कमेंट ये दर्शाता है कि भाई जाहिर सी बात है कि हाजी भाईजान ने भी जो है वो अपने इस रिश्ते में काफी कुछ दिया है अपने बच्चों के लिए, चाहे अपनी वाइफ के लिए, और शायद ये इंसान भी अंदर से दुखी था, इसकी बातों को देखकर ऐसा लगता है, बाकी सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलिए जी अपने दूसरे कमेंट पर आते हैं। यहाँ पर मेजी मेकओवर को रिप्लाई किया है राजविया ने, उनकी शादी हो गई है और रिजवाना भी किसी और से एंगेजमेंट भी किया है, क्यों लोग हर एक को जज करते हैं, और आपको हारून अच्छा नहीं लगता तो आपकी उनकी रील्स ना देखें। जाहिर सी बात है, खैर अगर कोई पसंद नहीं आता तो हमें उन लोगों को देखना ही नहीं चाहिए, रिजवाना का नाम लेना जरूरी नहीं है हर बात पर। ये बात भी ठीक है कि अब इसमें ये बोला गया है कि रिजवाना की एंगेजमेंट होगी, अब इस बात में कितनी सच्चाई है खैर देखो ये तो मैं नहीं जानती, जैसे ही मेरे को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। चलिए अपने नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। शहनाज लिखती हैं, अब तो स्टॉप कर देना चाहिए, इनको भी एक बेटी देके कहीं फिर शादी के लिए निकल पड़ोगे, ऑल मेंस नेवर सेटिस्फाइड। तो जाहिर सी बात है अब हाजी भाईजान की हरकतों को देखकर उन्होंने इतनी शादियां करी हैं, ठीक है, तो फिर हर किसी को ट्रस्ट नहीं होता है भाई इतनी जल्दी। तो यहाँ पर शहनाज यही कह रही हैं कि भाई कहीं इनके साथ भी ऐसा ना हो जैसा अपनी पहली दो तीन बीवियों के साथ ये कर चुके हैं। तो फिर उनको रिप्लाई देते हुए कहते हैं, जैसे आप वैसे आपकी सोच, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इनको अच्छे कमेंट भी आते हैं, इनको बुरे कमेंट भी आते हैं, और ये सभी के जो है वो रिप्लाई देते हैं, तो भाई इनको भी रिप्लाई दिया है। चलिए अपने नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। ये फिरदौस खान कहते हैं कि बेटा और बड़ी बेटी आपके नहीं है क्या, सिर्फ दोनों छोटे बच्चे ही याद आते हैं, इनोसेंट दिखता है, मैन आर नॉट ऑलवेज इन एट फॉल्ट। तो इनको रिप्लाई करते हैं कि जी नहीं, सिर्फ रिजा और आयजल मेरे हैं। तो भाई रिजवाना के साथ दो जो दो बच्चे और हैं बड़े, वो हाजी भाईजान के नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पर साबित कर दिया है, ये लिख कर जवाब दे दिया है कि सिर्फ रिजा और आयजल ही उनके हैं। तो क्योंकि काफी सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है कि भाई सारे बच्चे ही हाजी भाईजान के होंगे, तो सारे नहीं है भाई। और ये देखो नीचे लिखा है, रिजवाना आपको बच्चों से मिलने नहीं देती क्या, तो हाजी भाईजान ने रिप्लाई दिया है, नहीं देती मिलने, तो जो कि बहुत ही गलत बात है कि क्यों इनको मिलने नहीं दिया जाता है इनके बच्चों के साथ। जाहिर सी बात है, जितना हक माँ का है उतना ही बाप का भी हक है, और मेरे हिसाब से तो इनको मिलने दिया जाना चाहिए। इन्होंने कोर्ट से बात क्यों नहीं करी है, या बात करी है तो क्या वजह है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखो वो इंसान चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना, उसने जो कुछ भी किया हो, लेकिन बच्चों के मामले में माँ और बाप दोनों ही इक्वल होते हैं। जितना रिजवाना का हक है उतना बाप का भी हक है भाई, तो उसको मिलने का जो है वो पूरा पूरा हक होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। भले ही दोनों की लाइफ अलग अलग हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बच्चे एक ब्रिज होता है पति पत्नी के बीच में, तो वैसा ही होता है। और इनको मुझे लगता है कि हाजी भाईजान को उनके बच्चों के साथ मिलने देना चाहिए, रिजवाना को, रिजवाना ये गलत कर रही है। ठीक है, तो चलिए जी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।